एक जंगल में मोर और मोरनी का एक जोड़ा रहा करता था। पूरे दिन वो जंगल में घूमते रहते थे अपना पेट भरने की तलाश में। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता तो एक वृक्ष की डाली पर बैठकर के अपने सुख और दुख की बातें किया करते थे। एक दिन की बात थी, मोरनी कहती है कि महाराज, रोजाना हम अपने सुख और दुख की बातें करते हैं, आज कोई ऐसी कहानी बताओ जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो और हमारा समय भी कट जाए। मोरनी की बात सुनकर मोर कहता है कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगा, यदि भाग्य पक्ष में हो तो गया हुआ धन भी मिल जाता है, यदि भाग्य साथ न दे तो आया हुआ धन भी चला जाता है। कहते हैं, आयु धन विद्या कर्म और मरण जन्म लेने से पहले ही विधाता निश्चित कर देता है। मोर बोला, हे मोरनी, एक नगर में एक राजा था, उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी देखने में बड़ी सुंदर थी, तो राजा ने विचार किया कि क्यों न मैं इस बेटी के घर और वर के बारे में एक ब्राह्मण से पूछ लेता हूँ। तो एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और ब्राह्मण देव से ये कहा है महाराज ने कि ब्राह्मण देव, इस बेटी की हस्तरेखा देख करके ये बताओ कि इसके भाग्य में घर और वर कैसा होगा। ब्राह्मण देव कहने लगे, ठीक है, बुलाओ बेटी को। बेटी को बुलाया गया। बेटी की जैसे ही ब्राह्मण देव ने हस्तरेखा देखी तो मित्रों, उसकी हस्तरेखा में ये लिखा हुआ था कि अगर इस बेटी का विवाह होकर के जहां भी जाएगा उसके यहाँ पर धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, वो एक नहीं दो दो राज्यों का मालिक हो जाएगा। ये बेटी नहीं साक्षात लक्ष्मी के अवतार है। जैसे ही ब्राह्मण देव ने उस बेटी की हस्तरेखा देखी तो चकित रह गया। ब्राह्मण देव लोभ के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण देव सोचने लगे कि किसी तरीका से ये लड़की मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी, मुझे दर बदर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। अब हुआ ये, अब ब्राह्मण देव ने जो सत्य बात थी उसे तो छुपा लिया। देखो, कहते हैं कि पाप का बाप होता है लोभ। जहां भी पाप होता है तो वहां लोभ होता है। पहले लोभ प्रकट होता है, उसके बाद पाप होगा। अब उसके उस ब्राह्मण के मन में लोभ प्रकट हो गया कि किसी तरीका से ये लड़की मुझे मिल जाए। तो ब्राह्मण अब देखो राजा को उल्टी पट्टी पढ़ाने लगा। ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज, इस बेटी के भाग्य में जो लिखा है वो मैं तुम्हें सत सत बताता हूं। इसकी शादी होकर के जहां भी जाएगी वहां पर दो चार नहीं 10-20 मौतें हो जाएंगी। जहां भी जाएगी वहां पर तबाही मच जाएगी, उसका राज्यपाट छिन जाएगा, वो बेचारा दर दर का भिखारी हो जाएगा। इसका ऐसा भाग्य है। महाराज बड़े दुखी होने लगे। महाराज कहने लगे हैं कि ब्राह्मण देव, इसका कोई उपाय है? ये कैसे भी अनहोनी टल सकती है क्या? ब्राह्मण देव कहने लगे, हाँ महाराज, उपाय तो है, अगर तुम कर सको तो। जवाब दिया, क्यों नहीं, बताओ क्या उपाय है। तो बताया कि उपाय ये है कि तुम एक लकड़ी का संदूक मंगवाओ और उस संदूक में इस बेटी को बिठाओ और सोना चांदी जवाहरात इस संदूक में रख करके एक नदी में बहा दो, और कोई भी गरीब व्यक्ति इसे संदूक को निकाल लेगा, इस बेटी के साथ में शादी कर लेगा, तुम्हारी बलाएं कट जाएगी। राजा सोचने लगा कि ये बात ठीक रही। मित्रों, लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा चालाक था। ब्राह्मण ने चार मजदूरों को बुलाया। मजदूरों को बुला करके ये कहा कि तुम आगे चलकर के नदी पे बैठ जाना, उस नदी में एक संदूक बहता हुआ आएगा और उसे तुम निकाल लेना, तुम खोल करके मत देखना। अगर तुमने खोल करके देख लिया तो तुम नेत्रहीन हो सकते हो। अब बेचारे मजदूर भी घबरा गए, चलो कोई बात नहीं महाराज, हम क्यों देखेंगे, हमारा क्या काम है देखने का। अब मजदूर जाकर के नदी पर खड़े हो गए, टकटकी लगा करके देखते रहे कि कब वो संदूक आए, कब हम निकाले। अब वो ब्राह्मण भी बड़ा प्रसन्न होने लगा कि अब तो वो राजकुमारी मुझे मिल जाएगी, मैं दो राज्यों का राजा हो जाऊंगा, मेरे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। लेकिन कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और किस्मत से पहले किसी को कुछ नहीं मिला करता है। लेकिन समय ऐसा हुआ कि एक राज्य का राजकुमार अपने साथ में कुछ सिपाहियों को लेकर के अब शिकार खेलने के लिए जैसे ही चला है तो उसने एक सुअर का पीछा किया सिपाहियों समेत, और सुअर का पीछा करता करते 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 वो उस राजा की सीमा में घुस गया, और यहां तक कि वो सुअर उस नदी के किनारे पे आ गया, और उसके सिपाहियों ने, उस राजकुमार के सिपाहियों ने पहले से जाल लगा करके उस सुअर को पकड़ लिया।
सुअर को पकड़ाई था तब तक क्या देखा कि वो संदूक बहता हुआ आ रहा है नदी में। राजकुमार की नजर पड़ी तो उन सिपाहियों से कह करके वो संदूक निकलवाया। जैसे ही संदूक को खोला गया तो क्या देखा कि उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी है और उसमें सोना चांदी जवाहरात है। राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ, जवाब दिया कि इसकी खुशी में अब हम इस सुअर को मारेंगे नहीं। ऐसा करो, राजकुमारी को निकाल लो, सोना चांदी जवाहरात जो है इसमें वो निकाल लो और इस सुअर को इस संदूक में बंद कर दो और इसी में बहा दो, आगे शिकारी घात लगाए बैठे होंगे, बेचारे उनके काम आएगा ये। अब ऐसा ही हुआ, उस संदूक में सुअर को बंद करके बहा दिया। लेकिन पहले से बेचारे घात लगाए हुए मजदूर खड़े थे कि कितनी जल्दी संदूक आए, हम उसे निकालें। अब जैसे ही संदूक आया और नौकरों ने देखा और नौकरों ने संदूक को निकाला, निकालने के बाद में जैसे ही ब्राह्मण देव के घर पे लेकर के पहुंचे हैं, अब चारों नौकर कहने लगे कि महाराज बड़ी मशक्कत के साथ में हमने इसे निकाला है बाहर, आखिर इसे खोल करके दिखा तो दो, इसमें है तो है क्या। अब ब्राह्मण देव कहने लगे नहीं 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 नहीं, अगर हमने तुम्हें दिखा दिया तो तुम नेत्रहीन हो जाओगे। बोले ऐसा क्या इसमें, जवाब दिया इसमें बहुत बड़ा प्रेत है और उस प्रेत को मैं इस बंद कमरे में ले जा करके खोलूंगा और तब मेरी और इस प्रेत की आपस में लड़ाई होगी। और तुम ऐसा करो, तुम बाहर से भी कुंडी लगा देना और मैं भीतर से कुंडी लगा लूंगा। मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितनी भी आवाज लगाऊं, कितना रोऊं, कितना भी पीटूं, लेकिन तुम दरवाजा मत खोलना, ठीक है। नौकरों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें कहां क्या मालूम था कि इस संदूक में सुअर है, वो तो ये सोच रहे थे कि इस संदूक में राजकुमारी है, सोना चांदी जवाहरात है, कहीं नौकरों की नजर पड़ गई इसके ऊपर तो कहीं ये इसमें से कुछ हिस्सा ना मांगने लगे। अब लालची ब्राह्मण जो थे, अब जैसे ही बंद कमरे में भीतर से ताला लगा लिया, जैसे ही संदूक को खोला तो उसमें से जंगली सुअर निकला और जंगली सुअर ने जैसे ही आक्रमण उनके ऊपर किया, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं ब्राह्मण देव बचने के लिए, लेकिन उस सुअर ने उनके ऊपर ऐसा आक्रमण किया कि उनकी चीर फाड़ कर दी। बुरे तरीका से ब्राह्मण देव चिल्लाते हैं मुझे निकालो। लेकिन नौकर ये सोच रहे हैं कि पंडित जी और प्रेत का घमासान युद्ध चल रहा है। यहां तक हुआ कि पंडित जी को उस सुअर ने मार दिया, पंडित जी का देहांत हो गया। दूसरे दिन जब किवाड़ खोले गए तो सुकर निकल करके भाग गया। अंदर देखा तो पंडित जी महाराज मृतक अवस्था में पड़े थे। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को लोभ तो होना चाहिए, लेकिन लोभ के वशीभूत होने के बाद अनैतिक और अधर्म का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अक्सर लोभी पुरुष नतीजे के बारे में नहीं सोचते, जो धन अत्यंत कष्ट उठाने के बाद प्राप्त हो और धर्म का उल्लंघन करने के बाद प्राप्त हो, शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त हो, किसी का घर उजाड़ने से प्राप्त हो, ऐसे धन में मन नहीं लगाना चाहिए। ऐसा धन कभी सुख नहीं अपितु तो दुख ही देता है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।